Now, trend analysis. Here, trend means what? Trend shows the direction of the changes. क्या direction है? कितना changes हुआ है? कितना percentage increase हुआ? कितना percentage decrease हुआ? Same है, क्या है? Trend बताता है कि last year में इतना sales था, बराबर 100%, समझो एक example लिया, एक base लिया 100% था. इस year में अपना 150% हो गया sales. मतलब 50% rise हुआ. बराबर ऐसे दिखाते जानेगा. फिर next year क्या हुआ? 200 हो गया. मतलब double rise हो गया. So that is what trend. Trend shows the direction of the changes. What? Trend shows the direction of the changes. That is kitna ups hua hai, kitna downs hua hai, everything. So trend shows the direction of the changes. A trend analysis mein trend calculate karna bahut simple hai. It's easy to calculate and interpret. Right? Aapko simple wahi apna vertical balance sheet, vertical revenue statement aana chahiye, arrange karne. Usi ke basis pe humko trend. साइड बाय साइड हम लोग ट्रेंड का कॉलम बना के ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं. तो उसके लिए प्रैक्टिकल देखो तो मालूम पड़ जाएगा. बट याद रखो, इट इज इजी टू कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट भी कर सकते हो. आप इजीली इंटरप्रिटेशन कर सकते हो कि लास्ट ईयर में इतना था, अभी इतना सेल्स हुआ, लास्ट ईयर में एक्सपेंसेस इतने थे, जो भी एक्सपेंस, जैसे 100% एक्सपेंस था, अभी एक्सपेंस हो गया 80%. मतलब एक्सपेंस का जो ट्रेंड है वो क्या शो कर रहा है बेटा, कि एक्सपेंस का रेशियो अपना डाउन हो रहा है, कम हुआ है कि नहीं. तो एक्सपेंस तो नॉर्मल सी बात है, कम होगा तो अच्छी बात है बिजनेस के लिए. और ये क्या बेटा, इट इज अ क्विक मेथड ऑफ एनालिसिस. ट्रेंड एनालिसिस इज व्हाट बेटा, ट्रेंड एनालिसिस इज अ क्विक मेथड. ये एनालिसिस का एक क्विक मेथड है, फटाफट हम एनालिसिस कर सकते हैं. ट्रेंड एनालिसिस क्या बेटा, इट्स अ क्विक मेथड ऑफ एनालिसिस. फटाफट आप एनालिसिस कर सकते हो. मालूम पड़ा, क्विक मेथड है, इजी टू कैलकुलेट है. मालूम पड़ा, अभी देखोगे, अभी सम करोगे तो मालूम पड़ जाएगा. ठीक है, कैसे आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, क्विक मेथड कैसे है बेटा ये. और उसके बेसिस पे आप वर्टिकल बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स है उसका ट्रेंड्स देख के आप एक जजमेंट ले सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, इंटरप्रिटेशन कर सकते हो कि अच्छा ऐसा ये हुआ है, इतना राइज है, इतना डाउन है, इतना फॉल है, इतना अप है. अप्स और डाउन्स आप देख सकते हो, कितना राइज हुआ है, इंक्रीज कितना है, कितना डिक्रीज है. परसेंटेज से मालूम पड़ जाएगा आपको, डायरेक्ट परसेंटेज दिया रहेगा कि 50% राइज हुआ है, 60% फॉल हुआ है, जो भी, राइट. सो ट्रेंड एनालिसिस क्या बेटा, ट्रेंड अभी इट इज मोर एक्यूरेट. ये क्या होता है, इट इज मोर एक्यूरेट बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन परसेंटेज. ट्रेंड एनालिसिस हमेशा याद रखना किसके ऊपर बेस्ड रहेगा, परसेंटेज के ऊपर. किसके ऊपर बेटा, ट्रेंड एनालिसिस इज बेस्ड ऑन परसेंटेजेस एंड नॉट एब्सोल्यूट फिगर्स. ये एब्सोल्यूट फिगर्स पे बेस्ड नहीं होता, ये डायरेक्ट परसेंटेज में कैलकुलेट होगा. तो परसेंटेज से आपको डायरेक्टली आइडिया मिल जाएगा, फटाफट इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, राइट है. सो याद रखना बेटा, ट्रेंड एनालिसिस इज मोर एक्यूरेट है बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन परसेंटेज. परसेंटेज कैलकुलेशन होगा, बराबर है, परसेंटेज कैलकुलेशन होगा, परसेंटेज के बेसिस पे कैलकुलेशन होगा. उसके बेसिस पे आपको एनालिसिस करने में भी इजी होगा, इंटरप्रिटेशन करने में भी इजी होगा बेटा. एंड ट्रेंड एनालिसिस हेल्प्स इन एनालाइजिंग द ग्रोथ. ट्रेंड एनालिसिस क्या करता है बेटा, हेल्प करेगा आपको इन एनालाइजिंग द ग्रोथ इन द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ अ फर्म एट अ ग्लांस. ट्रेंड एनालिसिस क्या करता है बेटा, हेल्प करेगा इन व्हाट, एनालाइजिंग द ग्रोथ, कितना ग्रोथ हो रहा है उसको एनालिसिस कर सकता है, उसका एनालिसिस कर सकते हो आप. सो ट्रेंड एनालिसिस हेल्प्स इन एनालाइजिंग द ग्रोथ इन द फाइनेंशियल एक्टिविटीज. कितना ग्रोथ हुआ है फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द फर्म एट अ ग्लांस. ठीक है, तो हेल्प करता है कि नहीं आपको एनालिसिस में, इंटरप्रिटेशन में. और इजी टू कैलकुलेट है, क्विक मेथड ऑफ एनालिसिस है, मोर एक्यूरेट है बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन परसेंटेजेस, याद रखने का. और देख लिया ना, इट हेल्प्स इन एनालिसिंग, व्हाट, इट हेल्प्स इन एनालिसिस, एनालिसिस में हेल्प करेगा, राइट. मालूम पड़ा कि क्या ग्रोथ, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है, कितना ग्रोथ हुआ है, कितना हो सकता है फ्यूचर का, भी आप प्लानिंग कर सकते हो उसके बेसिस पे. सो याद रखने का कि ट्रेंड एनालिसिस हेल्प्स इन analyzing the growth in the financial activities of firm. बराबर है, कितना ग्रोथ हुआ है, ग्रोथ नहीं हुआ है, बराबर, डाउन चल रहा है बिजनेस, क्या हो रहा है, वो ट्रेंड एनालिसिस से आप एक क्विक कंपेरिजन कर सकते हो. सेल्स कितना है, सेल्स कितना परसेंट राइज हुआ है, कितना परसेंट फॉल हुआ है, एवरीथिंग. ठीक है, तो ये एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का सबसे अच्छा सिस्टम, सबसे क्विक सिस्टम, इजी सिस्टम, बराबर है, इससे आप इजिली इंटरप्रिटेशन कर सकते हो. एंड ट्रेंड एनालिसिस क्या करता है बेटा, ट्रीट करता है, देखो फर्स्ट ईयर, एक ईयर है, जैसे 2000 है,
2000 2001 2002 2003 2004, ऐसे 5 years दिए आपको. तो अब क्या करोगे आप, जो फर्स्ट ईयर होगा 2000 ईयर उसको बेस ईयर एज्यूम करने का. क्या करने का बेटा, उसको बेस ले लो. और बेस ईयर जो लोगे उसका परसेंटेज क्या रहेगा, परसेंटेज में कैलकुलेट होता है ना बेटा, दैट इज व्हाट इज मोर एक्यूरेट बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन परसेंटेज. और परसेंटेज के हिसाब से आप क्या करते हो, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन जो भी है कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो. ठीक है, सो ट्रेंड एनालिसिस ट्रीट ईयर वन एज द बेस ईयर, दैट इज 100%. ईयर वन को क्या बेस ईयर लेता, दैट इज 100%. ठीक है, तो जो बेस ईयर होगा उसको अपने को 100% लेना. क्या लेना, बेस ईयर को क्या एज्यूम करना बेटा, अपने को 100%. ओके, एंड कंपेयर्स द फिगर ऑफ ऑल द ईयर्स विद दोज ऑफ द बेस ईयर टू असर्टेन द ट्रेंड्स इन फिगर्स. राइट, सो ट्रेंड एनालिसिस क्या करता बेटा, ट्रेंड एनालिसिस ट्रीट्स ईयर वन एज द बेस ईयर. क्या बेटा, ट्रेंड एनालिसिस ट्रीट व्हाट, ईयर वन एज द बेस ईयर, दैट इज 100%. एंड कंपेयर करेगा द फिगर्स ऑफ ऑल द ईयर्स, कंपेयर्स द फिगर्स ऑफ ऑल द ईयर्स विद दोज ऑफ बेस ईयर. क्यों, टू असर्टेन द ट्रेंड्स इन फिगर, ताकि वो असर्टेन कर सकता है कितना ट्रेंड्स हुआ है, कितना इंक्रीमेंट है, क्या परसेंटेज इंक्रीज है, क्या परसेंटेज डिक्रीज है. दैट्स सो ट्रेंड एनालिसिस में याद रखो कितने भी ईयर, अभी 2010 11 12 13 14 है, तो उसमें बेस ईयर क्या रहेगा आपका, फर्स्ट ईयर एज द बेस ईयर, और वो बेस ईयर का परसेंटेज क्या रहेगा, 100. उसी के बेसिस पे बाकी सबका हम कैलकुलेट करें कि कितना राइज हो रहा है, कितना फॉल हो रहा है. राइट, एंड कंपेयर्स द फिगर्स ऑफ ऑल द ईयर्स विद दोज ऑफ बेस ईयर टू असर्टेन द ट्रेंड. ठीक है, जैसे ट्रेंड परसेंटेज के लिए देखो आपका फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला क्या आप यूज करोगे, नॉर्मल फॉर्मूला है, ट्रेंड परसेंटेज निकालना है ना, परसेंटेज निकालना है तो नॉर्मल सी बात है, कौन से ईयर का, समझो आप आपके पास ईयर है 2000 2001 2002 2003 2004, तो आपको निकालना किसका है, समझो 2001 का निकालना है, तो 2001 का क्या अमाउंट है वो लिखना है आपको, डिवाइड बाय बेस ईयर, बेस कौन सा है आपका 2000, तो 2000 में कितना था. ठीक है, जैसे सेल्स ले लिया, तो सेल्स आपका 2001, मतलब फाइंडिंग ईयर अमाउंट का 2001 का सेल्स कितना है, डिवाइड बाय बेस ईयर का सेल्स कितना है, बेस ईयर का सेल्स ले लो और परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100 कर दो. दैट्स इट, कैलसी में क्या करोगे, फाइंडिंग ईयर अमाउंट डिवाइड बाय बेस, परसेंटेज का बटन दबा दो, हो गया खत्म, विल गेट द आंसर इजीली. बराबर, सो दैट इज व्हाट ट्रेंड परसेंटेज. तो ट्रेंड परसेंटेज का फॉर्मूला याद रखना, वेरी सिंपल, फाइंडिंग ईयर अमाउंट डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट इनटू 100. बराबर है, ट्रेंड परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है बेटा, फाइंडिंग ईयर अमाउंट डिवाइड बाय बेस ईयर का जो अमाउंट है, बेस ईयर का अमाउंट क्या है, इनटू 100 कर दो, फिनिश. क्लियर, आलम पड़ गया, याद रखना इसको, तो वेरी इंपॉर्टेंट. बराबर है, ट्रेंड एनालिसिस सारी थियरी भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है, थियरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत नॉर्मल चीज है बेटा. ट्रेंड एनालिसिस क्या करता है, शो करता है डायरेक्शन ऑफ द चेंजेस, कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, कॉमन सा पॉइंट है. इट इज ईजी टू कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट, क्विक मेथड है, एनालिसिस का क्विक मेथड है, मोर एक्यूरेट है बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन परसेंटेजेस, हेल्प्स इन एनालिसिंग मींस एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में आपको हेल्प करता है, हेल्प्स इन एनालाइजिंग द ग्रोथ, हेल्प्स इन व्हाट, एनालाइजिंग द ग्रोथ इन द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द फर्म और कंपनी एट अ ग्लांस. एक नजर में आप देख सकते हो एक ही क्विक वे में, राइट है, कि कितना कितना ग्रोथ हो रहा है, क्या फाइनेंशियल एक्टिविटीज का क्या ग्रोथ है, क्या प्रोस्पेक्ट्स है, क्या मूवमेंट है, कितना परसेंट इंक्रीज है, कितना परसेंट डिक्रीज है. बराबर है, वो सब एक ही नजर में, एक एट अ ग्लांस आप देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो. सो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है ट्रेंड एनालिसिस, और बहुत सिंपल है, राइट, अ क्विक मेथड ऑफ एनालिसिस है, इजी टू कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट है, इजी टू कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट, राइट. एंड ट्रेंड एनालिसिस क्या करता है, ट्रीट, याद रखना, फर्स्ट ईयर को बेस ईयर, ट्रेंड एनालिसिस ट्रीट्स ईयर वन एज द बेस ईयर एंड कंपेयर्स द फिगर ऑफ ऑल द ईयर्स विद दोज ऑफ द बेस ईयर. व्हाई, टू असर्टेन ट्रेंड. सो ट्रेंड परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो गया, फाइंडिंग ईयर अपॉन बेस ईयर इनटू 100. दैट्स इट, क्लियर है बेटा. तो ये फॉर्मूला सबके माइंड में होना चाहिए, एकदम बेसिक फॉर्मूला है. अब ट्रेंड के लिए एक क्वेश्चन दिया है मैंने समझने के लिए, प्रैक्टिकल.
So Mrs. Anuraj carrying on business furnished their position as on 31st March 15, 16 and 17. 3 years are there. So base kya hoga isme? Base. Yes, year one. Year one kaun sa hua? 2015. Ye base ho gaya. This is what beta? Your base. ठीक है, बेस ईयर. अब इसी ईयर के बेसिस पे आपको बाकी सबका कैलकुलेशन करना है. और जो ईयर है वन, ये जो बेस है, बेस याद रखना, ये जो बेस है ना वो हमेशा आपका क्या रहेगा, 100% रहेगा. फिक्स है, उसको अपने को 100% एज्यूम करना है. दैट्स इट, याद रखना. तो अब बैलेंस शीट के सारे आइटम दिया, पहले बैलेंस शीट अरेंज कर लो. अब इसमें अरेंज तो फटाफट कर लोगे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट सबको पता ही है, आइटम भी ज्यादा नहीं है. फटाफट अरेंज करके मेन अपने को क्या करना है, ट्रेंड निकालना है. बराबर है, क्या निकालना है बेटा, ट्रेंड. तो चलो लेट्स डू इट. बैलेंस शीट पहले अरेंज करके ट्रेंड निकाल लेते हैं. इट्स वेरी सिंपल. सो ट्रेंड परसेंटेज आ जाओ. मिसेस अनुराज लिमिटेड, ट्रेंड एनालिसिस ऑफ वर्टिकल बैलेंस शीट, नंबर, पर्टिकुलर्स. अब दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया, एक अमाउंट का सेक्शन और एक ट्रेंड का सेक्शन. अमाउंट का सेक्शन और आपका क्या हो गया, ट्रेंड का. ये अमाउंट का सेक्शन हो गया इतना, और इधर अपना ट्रेंड परसेंटेज. ठीक है, एब्सोल्यूट अमाउंट रुपीस में, ट्रेंड परसेंटेज में. तो 15, 16, 17. अब ये रुपीस रुपीस जो लिखा है ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ऊपर एक बार लिख दिया था. और ट्रेंड परसेंटेज लिखा है मतलब इधर भी परसेंटेज डालने की जरूरत नहीं थी, ऊपर लिखा है ना, तो सब परसेंटेज में रहेगा. इधर रुपीज लिखा है तो रुपीज में रहेगा. दैट्स इट. ठीक है, अब हमको अरेंज करना है. पहले बैलेंस शीट अरेंज कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद वी विल गोइंग टू सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप. अच्छा, अब बेटा आपको पता ही है बैलेंस शीट अरेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग. सबसे पहला सोर्सेज ऑफ फंड्स, अपना फॉर्मेट है वो करते जाओ. सोर्सेज ऑफ फंड्स आ गया. अब सोर्सेज ऑफ फंड्स में पहला क्या होता है बेटा, शेयर होल्डर फंड. बराबर है, सोर्सेज ऑफ फंड है, उसमें क्या होगा, शेयर होल्डर फंड फर्स्ट, शेयर होल्डर्स फंड या ओनर्स फंड. अब शेयर होल्डर फंड में भी पहला क्या आ जाएगा, यस, शेयर कैपिटल. फर्स्ट वन इज व्हाट, शेयर कैपिटल. और आप देख सकते हो शेयर कैपिटल आपको डायरेक्टली दिया है क्वेश्चन में. चलो फिर शेयर कैपिटल के बाद क्या आ जाएगा अपना, और तो कुछ है नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस है नहीं, राइट है, रिजर्व एंड सरप्लस कुछ है ही नहीं. फिर डायरेक्टली लोन फंड पे आ जाओ. डायरेक्टली किस पे आ जाओगे आप, लोन फंड्स. सेकंड वन, लोन फंड्स. अब लोन फंड्स में अपने पास क्या है, एक ही है डिबेंचर्स, सिक्योर्ड लोन ही है. बराबर है, अब लोन फंड्स को भी हम बाइफरकेट करते हैं ना, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में. चलो तो बाइफरकेट कर देता हूं मैं इधर, सिक्योर्ड लोन. चलो अनसिक्योर्ड तो है ही नहीं अपने पास, तो सिक्योर्ड लोन में अपने पास क्या है, डिबेंचर्स. ठीक है, चलो कितना है डिबेंचर्स दिखा दो. डिबेंचर्स पहला है 27,000, सेकंड वन है 28,350, और थर्ड वन कितना है, 9,500. ओके, चलो डिबेंचर्स भी हो गया. बराबर है, लोन फंड्स भी हो गया, शेयर होल्डर फंड, ओनर फंड भी हो गया, लोन फंड भी हो गया. तो क्या मिल जाएगा अपने को, कैपिटल एम्प्लॉयड, है कि नहीं. तो ये हो गया अपना कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, सोर्सेज ऑफ फंड हो गया अपना. फिर अब सेकंड में आ जाओ, क्या आ जाएगा अपना, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. क्या बड़ा, एप्लीकेशन. अच्छा, इसका टोटल मार लो पहले फटाफट, क्या टोटल आ रहा है बोलो,
33 plus 27, 60. Then 31, 350 plus 28, 350. कितना रहा? 59,700 और लास्ट में 50,500. ओके चलो सेकेंड वन. सोर्सेज ऑफ फंड के बाद क्या है? अपना एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. चलो एप्लीकेशन ऑफ फंड में सबसे पहला वेरी फर्स्ट क्या आता है आपका? फिक्स्ड असेट्स. अब फिक्स असेट्स में भी क्या? टेंजिबल. अब देखो क्वेश्चन में कैसा दिया है. अच्छा डायरेक्टली फिक्स असेट दिया है तो बस डायरेक्ट फिक्स असेट के सामने अमाउंट लिख लो. डायरेक्टली फिक्स असेट दिया तो कितना अमाउंट? 30,000. सेकेंड वन 25,500. यस वेरी गुड. और 43,800. फिर सेकेंड वन क्या आ जाएगा अपना? इन्वेस्टमेंट. फिक्स असेट्स के बाद क्या है? इन्वेस्टमेंट. वो भी डायरेक्ट दिया है, उसका भी अमाउंट डाल दो. कितना है? 13,000. देन 13,000. देन 18,400. ओके फिर आपका क्या है? फिर क्या आता है थर्ड में? वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल. अब वर्किंग कैपिटल में क्या होता है बेटा? अपना करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. फर्स्ट करंट असेट्स. चलो करंट असेट्स में क्या क्या है अपने पास? आप क्वेश्चन में देख सकते हो. देखो करंट असेट भी डायरेक्टली दिया है और करंट लायबिलिटी में एक ही आइटम है, तो करंट लायबिलिटी लिख के ब्रैकेट में दिखा सकते हो. लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस. तो करंट असेट्स आपको डायरेक्टली दिया है तो डाल देते हैं करंट करंट असेट्स. क्विक नॉन क्विक करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि डायरेक्ट करंट असेट्स ही दिया है. तो कितना है करंट असेट्स अपना पहले का? 27 है. बराबर. एक सेकेंड. हाँ फर्स्ट 27, देन क्या अपना? 33,200 एंड देन 18,900. ठीक है. सो दिस इज व्हाट आर करंट असेट्स. अब उसमें से लेस करना है अपने को क्या? करंट लायबिलिटीज. बी व्हाट? लेस करंट लायबिलिटीज. चलो करंट लायबिलिटीज में आपके पास क्या था? एक ही आइटम है, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस है ना. करंट लायबिलिटी में आपके पास क्या है बेटा? लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस. तो वो लिखा है इसलिए इधर दिखा देता हूं मैं आइटम्स का नाम. आइटम का नाम दिखा देता हूं, लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस. सो लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस इज हाउ मच? 10,000 है. फिर सेकेंड वन 12 और लास्ट वन 30,600. ओके तो ये माइनस करना है. तो चलो ब्रैकेट दिखा देता हूँ ताकि आपको मालूम रहे, भूलो ना कि ये माइनस करना है. चलो अब माइनस करने के बाद अपने को क्या मिल जाएगा? इधर वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा. ये आपको मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल. ये वर्किंग कैपिटल का एक अलग से बना दिया अपने. वर्किंग कैपिटल चलो बोलो 27 माइनस 10 कितना हो गया? 17. 33,200 माइनस 12,000 कितना हो गया? 21,200. और लास्ट में 18,900 माइनस 30,600 है, ये तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा. नेगेटिव आंसर आ गया 11,700. और फाइनली अपने को क्या निकलना है? अपना कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि टैली होना चाहिए. फाइनली टोटल फंड यूज दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड. चलो आ जाओ कितना हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड?
30,000 प्लस 13,000 प्लस 17,000, देखो कौन सा ऐड करना है, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो 30 प्लस 13 प्लस 17 कितना हो गया 60, तो ऊपर और ये देखो ये टैली होना चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड एंड कैपिटल एम्प्लॉयड शुड टैली मैन। चलो 25,500 प्लस 13 प्लस 21,200 कितना हो रहा है 59,700, वेरी गुड। फिर 43,800 प्लस 18,400 और फिर 11,700 माइनस करना है, तो ये कितना हुआ 50,500, शाबाश, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, इट्स वेरी सिंपल, तो इसको घर पर ट्राई करना, ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो क्या करना है, पहला तो सबसे पहले बेस ईयर जो है वो 100-100 लेना, 100 बेस ईयर आपका क्या रहेगा 100%, तो परसेंट है बेस ईयर 15 है ना, फर्स्ट ईयर इज द बेस ईयर 100, ये सब 100, ठीक है, जितना भी है सब दिखा दो 100, बेस ईयर 100 आना चाहिए आपका, ठीक है। अब क्या करने का, कैलसी लो, बराबर कैलसी लो। अब क्या करोगे, देखो अब इसका परसेंटेज निकालना है, तो क्या करोगे कैलसी में 31,350 डिवाइड बाय 33,000, मतलब फाइंडिंग ईयर अमाउंट डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट, है कि नहीं। तो फाइंडिंग ईयर अमाउंट कितना है 31,350 है, बेस ईयर कितना है 33,000 है इंटू 100, तो करो कितना आ रहा है, कैलसी लो 31,350 डिवाइड बाय 33,000, परसेंटेज का बटन दबाओ, कितना आया 95, ओके 95 आ गया, बराबर, वेरी गुड, ठीक है। चलो अब इसका बताओ 2017 का कितना आएगा, क्या करना है 2017 के लिए, 2017 का अमाउंट कितना है 41,000 डिवाइड बाय बेस, बेस क्या है 33, करो कितना आ रहा है 41,000 डिवाइड बाय 33,000 इंटू 100, या परसेंटेज का बटन कैलसी में रहेगा ना वो प्रेस कर दो, तो कितना है 124, ओके वेरी गुड। बस ऐसे करते जाओ सबका आगे का भी। अब ये इसका परसेंटेज निकालो जरा कितना है 28,350, 16 का निकालना है तो 16 का डेटा डिवाइड बाय बेस अमाउंट, तो कितना रहा 28,350 डिवाइड बाय 27,000 और परसेंटेज का बटन दबा दो या इंटू 100 करो, कितना रहा 105, वेरी गुड। और इसका बताओ 9,500 डिवाइड बाय बेस ईयर, बेस ईयर अमाउंट कितना है 27, तो आ जाएगा 35, दैट्स इट, ऐसे ही करते जाओ, बराबर है। इधर कितना आ रहा है